सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ पर पॉज लगा दिया है। बोले तो फिलहाल कोई नए सेडिशन यानी कि देशद्रोह के केस नहीं लगेंगे और जो केसेस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं दे विल गो ऑन होल्ड। दोज ऑलरेडी चार्ज अंडर द लॉ एंड आर इन जेल कुड सीक बेल फ्रॉम ट्रायल कोर्ट्स। लेकिन क्या है ये सेडिशन लॉ? वेल फॉर बिगिनर्स ये हमारे कई सारे आईपीसी की तरह ही अंग्रेजों के जमाने का लॉ है जिसे बाय द वे इंग्लैंड खुद अपने देश में ईयर 2009 में अबॉलिश कर चुका है। यहाँ इंडिया में इसका क्या होगा या क्या होना चाहिए, लेट्स फिगर आउट इन दिस वीडियो। वेल सिंपल शब्दों में सेडिशन का मतलब है द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्शंस इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू बी अगेंस्ट और टू एक्ट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट। एज पर सेक्शन 124A सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें फाइन के साथ साथ 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा द पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ उसे कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और गवर्नमेंट उसका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। आईपीसी का ये सेक्शन 124A 1870 में इंग्लैंड से इंडिया आया। इंग्लैंड में तो इस रूल का ओरिजिन और 800 साल पुराना है, जब राजा ही था जिसकी लाइन डायरेक्ट भगवान से जुड़ी होती थी और कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी बोले तो वो सेडिशन यानी देशद्रोह माना जाता था। ब्रिटिश अपने साथ ये लॉ इंडिया लाए क्योंकि पीपल वर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ब्रिटिश अट्रोसिटीज। उन्हें हमारे फ्रीडम मूवमेंट की धज्जियां उड़ानी थी, सो दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड कि कोई भी ब्रिटिश रिजीम के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा तो सीधा जेल में। उस समय द पनिशमेंट वाज ट्रांसपोर्टेशन बियॉन्ड द सीज फॉर द टर्म ऑफ हिज और हर नेचुरल लाइफ। वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी कन्विक्टेड अंडर द लॉ वाज बाल गंगाधर तिलक इन 1898, जिन्हें उनके मराठी अखबार केसरी के आर्टिकल्स की वजह से अरेस्ट किया गया। 20 साल में उन पर 3 बार सेडिशन के मुकदमे चले फॉर ओपनली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड डिमांडिंग स्वराज्य। He spent a lot of years in a jail some 4,000 kilometers away in Mandalay, Burma. Then so many other freedom fighters jaise Annie Besant, Maulana Azad and Gandhi were sent to jail using this law. फिर अंग्रेज तो चले गए लेकिन लाइक मेनी अदर कॉलोनियल लॉज हमने इस लॉ को नहीं छोड़ा। हाँ, 1955 में इस पनिशमेंट को बदलकर लाइफ इंप्रिजनमेंट में जरूर बदल दिया। 1962 के केदारनाथ सेडिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। 5 जजेस की बेंच ने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया लेकिन साथ में क्लेरिफाई किया कि सरकार की क्रिटिसिज्म को सेडिशन तब तक नहीं बोल सकते जब तक इट इज नॉट अकंपनीड बाय अ कॉल फॉर वायलेंस। अब व्हाट्स हैपनिंग करंटली इज समवेयर बेस्ड ऑन दिस रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर पिटीशंस फाइल की गई challenging the constitutional validity of the colonial era law, that any sort of violence or call for violence can be addressed through several other laws including the stringent UAPA. तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ का फ्रेश रिव्यू चाहता है टू फिगर वेदर टू कीप इट, अबॉलिश इट और ऑल्टर इट। लास्ट ईयर आफ्टर द पिटीशन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन्ड द सेंटर कि आज देश को आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, इज दिस लॉ स्टिल नेसेसरी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ऑब्जर्व दैट दिस लॉ सप्रेसेस फ्रीडम, इसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेलों में भरने के लिए यूज किया गया था एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो इट हैज बीन मिसयूज्ड मल्टीपल टाइम्स एंड इज अ सीरियस थ्रेट टू द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सेंटर ने इस कॉलोनियल लॉ को डिफेंड करते हुए कहा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लॉ। कि सब जैसा है बढ़िया ही है, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद अभी सेंटर हैज टेकन अ यू टर्न सेइंग दैट इट विल रिव्यू एंड री एग्जामिन द लॉ, टेलिंग सुप्रीम कोर्ट कि इस लॉ का क्या करना है अभी उस पर दिमाग ना लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ पर फिलहाल पॉज लगा दिया है और सेंटर को जुलाई की हियरिंग डेट दी है जिसमें पता लगेगा कि इस लॉ का क्या फ्यूचर होगा। अगर कुछ रीसेंट सेडिशन केसेस की बात करें तो इन द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन सम बिजार केसेस। गवर्नमेंट होल्डिंग पर लिखा एक एडिटोरियल, पीएम के अगेंस्ट रिमार्क्स इन अ प्री पोल स्पीच, अ वीडियो क्लिप पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया विद डिस्प्यूटेड ऑडियो, एक हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज, नॉट स्टैंडिंग फॉर द नेशनल एंथम इन अ मूवी थिएटर। इन सब चीजों के लिए लोगों को सेडिशन के केसेस में बुक किया जा चुका है। फिर सम ऑफ द केसेस दैट गॉट एवरीबॉडीज अटेंशन, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा रवि पर सेडिशन का चार्ज लगा फॉर शेयरिंग अ टूल किट फॉर अ ग्लोबल कैंपेन सपोर्टिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। इन एंटी सीएए एक्टिविस्ट पर सेडिशन का चार्ज लगा फॉर एलिजिबली मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स इन मीटिंग्स दैट क्रिएटेड रायट्स इन दिल्ली। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन का हाथरस जाते हुए अरेस्ट हुआ फॉर हिज एलिजेड लिंक्स विद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ऑथर अरुंधति रॉय फॉर हर रिमार्क्स ऑन कश्मीर, पॉलिटिशियन हार्दिक पटेल फॉर 2015 पटीदार कोटा एजिटेशन और बहुत से ऐसे केसेस। पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन अ राइज इन केसेस अंडर सेडिशन लॉ। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2016 से 2019 के बीच द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर दिस लॉ इंक्रीज बाय 160%। वहीं रेट ऑफ कन्विक्शन हैज गॉन डाउन, ड्रॉपिंग फ्रॉम 33.3% इन 2016 टू 3.3% इन 2019। इस समय इट्स जस्ट 2.25%। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लेट सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ पर हुई एफआईआर को इनवैलिड कर दिया। अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड मेनी अदर अवार्ड्स, दुआ वाज अक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। किस लिए? कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान अपने शो में इन्होंने टेस्टिंग फैसिलिटीज, पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, इस सब की कमी होने के बारे में बात करी। सेडिशन का केस बना कि ये जर्नलिस्ट जनता में गलत इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स फैला रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को ये बोलते हुए क्वैश कर दिया दैट बीइंग अ जर्नलिस्ट ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू एड्रेस इश्यूज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू द कंट्री सो दैट एडिक्वेट एक्शन इज टेकन ऑन टाइम।
2014 से 2020 के बीच देश में टोटल 399 सेडिशन केस रजिस्टर हुए, जिसमें से चार्जशीट्स वर फाइल फॉर 169 केसेस, जिनमें से सिर्फ 66 केस के ट्रायल पूरे हुए हैं और मात्र 9 लोगों का कन्विक्शन हुआ। 2019 saw the highest sedition cases, but just 2 convictions. 2018, 0 convictions. 2020, 0 convictions. In 2020, Manipur filed the highest number of sedition cases, followed by Assam, Karnataka, Uttar Pradesh, Haryana and Delhi. पिछले साल बीजेपी रूल्ड यूपी में वन ऑफ द सेडिशन केसेस वाज मेड अगेंस्ट द फॉर्मर यूपी गवर्नर अजीज कुरैशी, जिन्होंने एलिजेडली गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था। Two of the other cases were filed against opposition candidates in the run-up to the state elections. Phir Congress ruled Chhattisgarh mein a former IG of police was charged over inflammatory pieces of writing against the government. Latest abhi Mumbai mein MP Navneet Rana aur unke husband MLA Ravi were charged of sedition for chanting Hanuman Chalisa outside CM's house. Matlab ki desh bhar ki governments, BJP ho ya Congress, maze maze mein sedition charges laga rahe hain. India ki hi tarah sedition law is present in other countries like Saudi Arabia, Sudan, Iran, wagera wagera. वहीं इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देश इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव एबॉलिश्ड देयर सेडिशन लॉज। यहां तक कि यूके, जो ये लॉ इंडिया तक लेकर आया, बाल गंगाधर तिलक के अरेस्ट के 100 साल बाद 2009 में उसने भी ये रूल खत्म कर दिया। देयर वाज अ टाइम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं देखा जाता था लाइक वी डू टुडे। ये उस जमाने का लॉ है जब राजा महाराजा, कॉलोनियल रूलर्स, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, डिक्टेटर्स वर फकिंग अप विद दिस वर्ल्ड। We are a democracy जो कि क्रिटिसिज्म और पब्लिक डिबेट से ही बेस्ट काम करती है, और इस साल इंडिया इज टर्निंग 75। सो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में इंटरवेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस लॉ? क्या होना चाहिए? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।